वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाओ। आजकल तुम इतना लेट क्यों आ रही हो, क्या वजह है? मैं मदरसे जा रही हूँ। तुम मदरसा जाती हो और स्कूल भी, इससे तुम्हारी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा? तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान होगा, उसका क्या? नहीं मेरी बहन, अगर हम कुरान को ना समझ कर पढ़ेंगे तो इससे होने वाला नुकसान कई गुना बड़ा है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। इसलिए हमें कुरान को समझ कर पढ़ने की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। क्यों, बगैर समझ कर पढ़ने में क्या बुराई है? यह अल्लाह ताला के पास काबिले कबूल नहीं मेरी बहन। दुनिया में कोई भी किताब जो समझ में नहीं आती, इसे कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, तुम ये लो। ये क्या है? यह अल्लामा इकबाल की फारसी में लिखी हुई रुबाई है। मरा बे नियाजी दा ए बे नियाज, कहम बे नियाजी व हम चार साज। ये लो, मैं इसे नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ोगी? तुम्हें पढ़ने तो आ रहा है ना? इसकी लिखाई उर्दू जैसी होती है ना? उर्दू की लिखाई है सही है, मगर मुझे वो जबान समझ में नहीं आती, इसलिए मैं वो नहीं पढ़ना चाहती। तुम ये कहती हो कि तुम फारसी पढ़ सकती हो लेकिन पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आता। अब तुम ही बताओ, अल्लाह ताला की किताब को हम बगैर समझ के पढ़ेंगे तो क्या ये चलेगा? जिसके अंदर अल्लाह के अहकामात, इसका फरमान, हिकमत भरी बातें, दुनिया व आखिरत के लिए बेहतरीन हिदायत अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी है और 1450 साल से हमारे लिए इसकी हिफाजत की है, तो तुम ही बताओ, इतनी अजीम किताब को हम बगैर समझ के पढ़ेंगे तो क्या ये चलेगा? लेकिन सिर्फ कुरान की तिलावत करने पर ही सवाब है, ऐसा हदीसों में बताया गया है। तुम्हें तिलावत इस लफ्ज के मायने मालूम है? नहीं मालूम। सुनो, तिलावत के मायने होते हैं पैरवी करना, टू फॉलो, यानी कुरान की बातों को समझकर उस पर अमल करना। अब तुम ही बताओ, आजकल हमारे मुसलमान भाई बहनें जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, क्या वो असल मायने में इसका हक अदा कर रहे हैं? और तो और, हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि कल कयामत के दिन अल्लाह ताला हमें कुरान की तिलावत के बारे में, यानी कुरान की पैरवी के बारे में सवाल करेगा तो हम क्या जवाब देंगे? कुरान छोड़ने वाले और कुरान से लापरवाही बरतने वालों के लिए अल्लाह ताला ने सूरह तौहा आयत नंबर 124-127 में फरमाया है कि जो हमारे जिक्र से, यानी कुरान से मुंह मोड़ेगा, उसकी ज़िंदगी तंग होगी और बरोज़ कयामत हम उसे अंधा बनाकर उठाएंगे। हाँ, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसको बगैर समझे पढ़ने और बगैर समझे सुनने पर भी सवाब है, लेकिन एक हद तक कि हम पूरी ज़िंदगी इस पर नहीं डाल सकते। अल्लाह ताला ने सूरह फातिर आयत नंबर 37 में फरमाया है कि कुरान छोड़ने वालों को हम जहन्नुम में डालेंगे, वो वहाँ से चिल्लाएंगे, इलाही हमें यहाँ से निकाल दें, हम अच्छे काम करेंगे, बरखिलाफ उनके जो किया करते थे। अल्लाह ताला कहेगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ लेता? देखो, हमें इस आयत से समझ में आता है कि हम पूरी ज़िंदगी कुरान को बगैर समझे पढ़ने में नहीं डाल सकते। हाँ, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है, लेकिन आजकल इस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, इसलिए मुझे लगा कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मिसाल दूँगी। ये बताओ, आयतुल कुर्सी पढ़ने पर शैतान भाग जाता है ना? हाँ, भाग जाता है। चारों कुल पढ़ने पर शैतान, जिन्नात, बदरूहें भाग जाती है ना? हाँ, भाग जाती है। क्यों भाग जाती है? क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की तारीफ और इसकी किबरियाई बयान की जाती है, इसलिए शैतान डरकर भाग जाता है। हाँ, भाग जाता है ना। अब तुम ही बताओ, ऐसा कहीं होता है क्या? जिसको भाग जाना है उसके समझ में आना चाहिए और जिसको भगाना है उसके समझ में ना आए तो चलेगा? ये कैसी बात हुई? अल्लाह ताला की आयतों से जिसको नुकसान उठाना है उसके समझ में आ रहा है और इसको फ़ायदा उठाना है उसके समझ में नहीं आ रहा, ये कैसा मामला है? ऐसा मामला कि अल्लाह ताला के पास चलेगा? हाँ, तुम्हारी बात सही है। हम रोज़ाना शैतान को भगाने के लिए आयतुल कुर्सी, चारों कुल वगैरह पढ़ते हैं, जिसकी वजह से शैतान डरकर भाग जाता है, यानी शैतान को इन आयतों का मतलब समझ में आ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें इसका मतलब ही मालूम नहीं। मैंने तो इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हाँ, जो तुमने अल्लाह ताला की आयतों से और मिसालें देकर जो मुझे समझाया है, वो मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया है कि कुरान को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मगर सवाल यह है कि इसको समझना आसान है या मुश्किल, और इसको सीखने के लिए कितना वक्त लगेगा? ये बहुत ही आसान है। अल्लाह ताला ने खुद सूरतुल कमर में 4 मरतबा फरमाया, आयत नंबर 17, 22, 32, 40 में, बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, बस कोई नसीहत हासिल करने वाला है? देखो, जब अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि कुरान को समझकर पढ़ना आसान है, तो आसान ही है, इसमें कोई शक नहीं।
शुक्रिया बहन, मुझे तुम्हारी तमाम बातें समझ में आ गई है कि कुरान को समझकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं भी कुरान को समझकर पढ़ने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला। तुम करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी हुज्जत तमाम कर दी। अब तुम मुझे कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने नहीं पकड़ सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।